हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टेरा सिक्स पेट्रोल ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक इस तरह से है दैट आफ्टर द न्यू मून ऑन 4th ऑफ अगस्त 2024, दैट इज स्टार्जन न्यू मून, उसके बाद क्या होने वाला है। न्यू मून ऐसा समय होता है जहाँ पे हम अपने इंटेंशंस को डेफिनेटली सेट करते हैं, और जो फुल मून आता है तब हम उम्मीद रखते हैं कि वो इंटेंशंस डेफिनेटली फुलफिल होंगे। और राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफकोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 4th ऑफ अगस्त 2024 क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून ऑन 4th ऑफ अगस्त क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पफर फिश फिर से आया। यहाँ पे एक ऐसा इंसान खड़ा है जो शायद शस्त्र लेके खड़ा है। सो आफ्टर फुल मून, सॉरी द न्यू मून ऑन 4th ऑफ अगस्त, आई डू थिंक सो बिफोर दैट ऑल्सो आप डेफिनेटली अपना जो है कहीं ना कहीं पे जो इंटेंशंस है, ठीक है, उसको नज़र में रखते हुए आप कुछ ऐसा प्लान्स प्रोसीजर्स को, ठीक है, फाइनलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसा नहीं सोच पा रहे थे, आपको लग रहा था कि मे बी इट्स लाइक यू नो पता नहीं क्या होगा, बट अचानक से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो है आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे अगर कुछ ऐसा भी हो रहा होगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो विथड्रॉ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक कुर्सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब कुर्सी दिखाई देता है, जब चेयर्स दिखाई देते हैं, तब यही माना जाता है कि एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल पोजिशन कैन बी डेजिग्नेटेड टू यू। हो सकता है कि कोई भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, चेयर का जो एक पावर होता है वो आपको मिले जो आपको नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से आप सर्च कर रहे थे। मे बी यू हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, बट यू हैड नॉट बीन रिसीविंग द पोजिशन। यहाँ पे देखो एक फ्लावर वास भी दिखाई देता है, सो फ्लावर्स विथ फ्लावर वास। यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा ये फ्लावर वास है। एक तो फ्लावर्स ऊपर से गोल करके सेंट्रल लाइक सर्कुलर शेप, सो ऑल थिंग्स विच स्टार्टेड, ठीक है, जो शुरुआत हुआ था, जो एक बार शुरू हो चुका है, वो कैसे हम देख रहे थे कि लाइक यू नो व्हाट, कि देयर कैन बी सच सर्कमस्टेंसेस कि जहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है कि यू विल बी लाइक प्रेजेंटेड विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट मे बी विल बी लाइक इन अ कन्फ्यूज मोड कि मैं कौन सा करूँ, मैं मुझे रहना चाहिए यहाँ पे, मुझे रह के डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है कि आपको लगे। एंड आफ्टर द न्यू मून आई कैन सी दैट यू विल नॉट बी लाइक यू नो, आपको जो अभी लेजीनेस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें और अच्छा हो सकता था और मीनिंगफुल हो सकता था और यहाँ पे रिसोर्सेस आपको मिल सकते थे जो नहीं मिले, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, ओके, आई कैन सी कैंसर साइन ओवर हियर, कर्क राशि। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो जाओ कोई भी सिचुएशंस को लेके, इधर आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप गुस्सा करें या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से आप अपने आप को ही डिस्टेंस कर ले किसी से, या ऐसा बोला जाता है कि
इतने इमोशंस कभी कभी किसी को भी ब्लाइंड बना सकते हैं. सो डोंट ट्रस्ट पीपल. ठीक है, अगर आप किसी को ट्रस्ट भी कर रहे हो हैविली, मेक श्योर कि वो इंसान कितना हद तक ट्रस्टवर्दी है. और अगर ट्रस्टवर्दी नहीं भी है तो भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कशन उसके साथ तो नहीं करना है. ओके, उस तरह से. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट यू नो बट ओके. ओके, आई कैन सी या क्राउन विच इज बींग फॉर्म, या कोई ऐसा माउंटेन का पैरेलल कुछ रेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सो आई कैन सी लाइक यू नो, हो सकता है कि लाइक जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, पहाड़ के इलाके में एक 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 रेंज जो दिखाई देता है, उस तरह से कुछ माउंटेन व्यू हो सकता है. मे बी विल गो फॉर लाइक यू नो टू सच अ प्लेस. हो सकता है कि वो जगह जाना ही जाता हो वॉर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंत्र के लिए, तंत्र के लिए. एंड मे बी विल गो देयर फॉर सर्टेन रिमेडीज. कोई हो सकता है ऐसा जाओ, या आपने ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है उस जगह का, एंड मे बी आप ऐसा टूर ट्रेवल के लिए ही जा रहे थे, बट उसके साथ साथ वो भी काम, बाकी का जो काम है वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी पता चलता है. सो लेट सी. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में, ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 4th of August 2024 क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें आफ्टर 4th of August 2024 द न्यू मून. सो डेफिनेटली वट इज कमिंग फॉर यू, वट इज डेफिनेटली कमिंग टूअर्ड्स देम आफ्टर 4th of August. सो यहाँ पे है लवर्स का कार्ड, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स. आई टोल्ड यू लॉट ऑफ इमोशंस मुझे वहाँ पे दिख रहे थे, प्यार ठीक है, तकरार भी कहीं ना कहीं पे. आई कैन सी फॉलिंग इन टू न्यू लव रिलेशनशिप, लव अफेयर. सीक्रेट हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, प्राइवेटली हो सकता है कि आप मेंटेन करें इस रिलेशनशिप को. हो सकता है कि किसी को भी ना जानने थे. मे बी आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप भी आ सकता है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जितने भी तकलीफ है, जितने भी आपके कष्ट है, यातनाएं आपको दिए गए, ठीक है, यू हैड बीन प्रेशराइज्ड, सब रिलीफ आपको मिलेगा. द हर्मिट, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपने आप को विदड्रॉ कर लेंगे, आप अपने आप को अलग रखेंगे, सिलेक्टिवली विल प्लेस योर सेल्फ एंड सेपरेटली. और मुझे माउंटेन रेंज भी वहाँ पे दिखाई दे रहा था इसी तरह से, कोई जैसे पहाड़ी इलाके में गए. द हर्मिट कार्ड रिप्रेजेंट्स जो ऑलरेडी संसार छोड़ चुका है, पर यहाँ पे संसार छोड़ने का बात नहीं आ रहा है. बात आ रहा है कि आप अपने अंदर की जो एक दुनिया है उसको जागृत कर रहे हो, उसको जान रहे हो. यू आर डिस्कवरिंग अ न्यू मी इन साइड योर सेल्फ. आप क्या हो, आपके अंदर से एक बहुत ज़्यादा अच्छा योलो ऑरा जो है निकल रही है. सो यू आर गोइंग टू एमिट लाइट. इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ सकता है आपके अंदर, चेंजेस आपके अंदर दिखाई देंगे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टेम्परेंस, एवरीथिंग विल कम इन टू प्रॉपर बैलेंस. यहाँ पे भी देखो माउंटेन्स रेंज आ रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है. सो इट मीन्स दैट जो भी रिलेशनशिप ठीक है हैपजर्डली चल रहा था आपके लाइफ में और बहुत डिस्टर्बेंस भी दे रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए ही सोच रही हूँ, अपने लिए ही सोच रहा हूँ, शायद मुझे दुनिया के लिए भी और सोचना है, और मुझे मौका मिले, और मुझे पोजिशन मिले. तो आपको पोजिशन मिल रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यू आर गोइंग टू गेट मे बी सच अ पोजिशन, सच अ चेयर जहाँ पे आप क्रिटिकली काम को कर पाएंगे. इमोशंस और लॉजिक ठीक है, ये दोनों ही चाहिए. लॉजिक एंड इमोशंस का जो एक मेल होता है वो आपके अंदर देखा जाएगा. एंड आई कैन सी लाइक ऑल्सो लाइक यू आर डोनेटिंग समथिंग इन टू चैरिटी. ओके, लोगों को जो इक्वली लोगों के साथ ट्रीटमेंट करना,
ठीक है, और जिन्होंने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है, जो भी किया होगा, उस बात को याद ना रखते हुए आप लोगों के साथ इक्वली पेश आते हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड देयर कैन बी लाइक यू नो यूनियन ऑफ टू सोल्स, मे बी ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, विच आई कैन ऑल्सो सी इन द सेम टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी. लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड